औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 10 को रीड आउट करेंगे। और आप लोगों की आसानी के लिए जो इस चैप्टर को नाम दिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर राल्स्टन, मिस्टर राल्स्टन की तकर्री। सबसे पहले इसकी समरी को रीड आउट करते हैं। चिप्स बिकेम द एक्टिंग हेड आफ्टर द डेथ ऑफ ओल्ड मेल्ड्रम इन 1900। 1900 में मेल्ड्रम की वफ़ात के बाद चिप्स कायम मकाम हेडमास्टर बन गया। राल्स्टन वाज अपॉइंटेड हिज सक्सेसर। राल्स्टन उसका जानशीन बना। राल्स्टन हैड एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। राल्स्टन की शख्सियत मुतासिरकुन थी। ही वॉज अ यंग मैन ऑफ 37 ईयर्स। राल्स्टन की शख्सियत मुतासिर कुन थी और वो 37 बरस का एक जवान आदमी था। द ईयर्स बिफोर हिज रिटायरमेंट हैड मेमोरेबल पिक्चर्स फॉर हिम। अपनी सर्पदोशी से पहले के सालों में कुछ यादगार बातें थीं। ही कुड नॉट फॉरगेट अ मई मॉर्निंग वेन द होल स्कूल हैड असेंबल्ड टू कंडोल द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड। उसे मई की वो सुबह याद थी जब सारा स्कूल बादशाह एडवर्ड की वफ़ात पर अफसोस में जमा था। ही रिमेम्बर्ड अ समर मॉर्निंग वेन द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक। उसे मौसम गर्मा की वो सुबह भी याद थी जब रेलवे के मुलाजमीन हड़ताल पर थे। डायमंड जुबली वॉज अनदर मेमोरेबल इवेंट। डायमंड जुबली, जिसे 75वीं सालगिरह की तकरीब में एक और वाक़या था। मैनी अदर थिंग्स रश्ड इन हिज माइंड लाइक शैम्पेन सुपर्स एंड अनएम्प्लॉयड मार्शर्स, मार्कोनी, होम एंड HMS। ही कुड नॉट फॉरगेट एन अप्रैल इवनिंग वेन ही रिब्यूक्ड ग्रेसन। उस दौर के और बहुत से सियासी और समाजी वाकयात, जैसे शैम्पेन पीना, शैम्पेन की दावत, बेरोजगारों के मार्च, मार्कोनी, होम रूल और HMS वगैरह के साथ साथ उसे अप्रैल की एक शाम ग्रेसन नामी एक बच्चे को डांटना भी नहीं भूला था। लेटर चिप्स हैड टू कंडोल विद ग्रेसन द सीनियर ऑन हिज सन्स अनटाइमली डेथ। बाद में उसे ग्रेसन सीनियर से उसके बेटे की बेवक्त वफात पर ताज़ियत करना भी याद था। तो डियर स्टूडेंट्स, यह है इस चैप्टर की समरी। अब हम इसके सैनम्स को रीड आउट करते हैं। सैनम्स में जो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है सक्सीडिड, बाद में वाकई होना। कम आफ्टर, माइल्डर, नरम सा, मेलो, सॉफ्टवर, सॉफ्टर। फिरोशियस, तंदोतेज, वाइल्ड, फायरस। अकस्टम्ड, आदि ना होना। अनयूजुअल, पॉन्टिफिकल, घमंडी। इम्पीरियस, कॉन्फिडेंट। समंड, बुलाया गया। ऑर्डर्ड, सेंट फॉर। पेट्रोलिंग, निगरानी करना। गार्डिंग। ग्रीव्ड, उदास, गमजदा। सैड। एवेन्यूज, गुजरगाह। वेज, पाथ्स। कैटास्ट्रोफिक, अलमिया, हादसा। डिस्ट्रक्टिव। नंबर 11 पे है हमारे पास एक्सक्यूज्ड, छूट देना। एग्जेम्प्टेड, रेस्क्यूड, बचा लेना। सेव। क्वाइटली, खामोशी से, साइलेंटली।
नेटिव, मुल्की या देसी, मकामी भी कहते हैं। इन बॉर्न, नोड, सर हिलाना, शॉक हिज हेड। जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास सैनम्स। अब हम शार्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, हु वॉज मेल्ड्रम, हाउ लॉन्ग डिड ही सर्व ब्रुकफील्ड। मेल्ड्रम कौन था और कितना अरसा उसने ब्रुकफील्ड में सर्विस की। मेल्ड्रम हैड बिकम द हेड मास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर वेदरबाय इन 1870। 1870 में मिस्टर वेदरबाय की वफ़ात के बाद मेल्ड्रम ब्रुकफील्ड स्कूल में हेड मास्टर बना। ही सर्व ब्रुकफील्ड स्कूल फॉर 30 ईयर्स। उसने 30 साल ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर खिदमात दी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन डिड मेल्ड्रम डाई। मेल्ड्रम की मौत कब वाक़े हुई, कब मरा वो। ओल्ड मेल्ड्रम डाइड ड्यू टू सडनली टू फिनमिना इन 1900। उसे नमोनिया हुआ था 1900 में। ओल्ड मेल्ड्रम 1900 में नमोनिया की वजह से अचानक मर गया। हु सक्सीडेड मेल्ड्रम। मेल्ड्रम की जगह किसने ली। मेल्ड्रम के बाद कौन आया उसकी जगह पर। मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स को आर्जी तौर पर ब्रुकफील्ड स्कूल का हेड बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स बिकम एक्टिंग हेड ऑफ द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कब मिस्टर चिप्स को बतौर हेड स्कूल के तैनात किया गया। इन 1900 मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द हेड मास्टर फेल सीरियसली इल एंड देन डाइड। सन 1900 में मिस्टर चिप्स को बतौर सरबरा स्कूल के लगा दिया गया पहली बार, जब उस स्कूल का हेड मास्टर बीमारी की वजह से मर गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु वॉज रॉल्स्टन। रॉल्स्टन कौन था। मिस्टर रॉल्स्टन वॉज अ न्यू हेड मास्टर ऑफ द ब्रुकफील्ड स्कूल आफ्टर दैट द डेथ ऑफ मिस्टर मेल्ड्रम। मिस्टर मेल्ड्रम की वफ़ात के बाद मिस्टर रॉल्स्टन ब्रुकफील्ड स्कूल का नया हेड मास्टर था। ही वॉज अ साइंस ग्रेजुएट। वो साइंस में ग्रेजुएशन किए हुए था। ही वॉज यंग मैन ऑफ 37। वो 37 बरस का नौजवान आदमी था। हिज मैनर्स वर वेरी इम्प्रेसिव। उसके जो मैनर्स थे, जो तौर तरीके थे, वो बहुत असर रखने वाले थे, मुतासिरकुन थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज मिस्टर रॉल्स्टन। मिस्टर रॉल्स्टन किस तरह का शख्स था। मिस्टर रॉल्स्टन वाज अ यंग मैन ऑफ 37। मिस्टर रॉल्स्टन 37 बरस का नौजवान शख्स था। ही वाज मॉडर्न मैन। वो जदीद आदमी था। ही वॉन्टेड टू रन द स्कूल ऑन मॉडर्न लाइन्स। वो चाहता था कि वो स्कूल को नए तौर तरीकों के हिसाब से चलाए। क्वेश्चन नंबर सेवन, वेयर चिप्स एंड कैथरीन और हाउ डिड वॉज क्वीन विक्टोरिया सिटिंग इन द कैरिज ऑन द डे ऑफ गोल्डन और डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंग्लैंड। कहाँ पर चिप्स और कैथरीन की मुलाकात क्वीन विक्टोरिया के साथ हुई गोल्डन जुबली के दिन, जो 75वीं सालगिरह थी इंग्लैंड की। किस तरह से मुलाकात हुई कैथरीन की और मिस्टर चिप्स की। टू सेलिब्रेट द डायमंड जुबली ऑफ इंग्लैंड, 75 साल की जो इंग्लैंड के अंदर जो खुशियाँ थीं। चिप्स एंड कैथरीन वेंट टू लंदन टू सी द प्रोसेशन। चिप्स और कैथरीन लंदन में चले गए थे जो तकरीबात हो रही थी उनको देखने के लिए। दे सा द लीजेंडरी लेडी सिटिंग लाइक समथिंग क्रम्बलिंग डॉल इन द कैरिज। उन्होंने वहाँ क्या देखा, एक बहुत ही लीजेंडरी लेडी, लीजेंडरी खातून, जो कि कैरिज के अंदर
एक गुड़िया की तरह बैठी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत। क्वेश्चन नंबर 8, विच ग्रेसन हैड चिप्स टू कंडोल विद? कौन से ग्रेसन के साथ चिप्स ने ताजियत की थी? चिप्स हैड टू कंडोल विद ग्रेसन सीनियर। चिप्स ने ग्रेसन सीनियर के साथ ताजियत की थी। इन द बिगनिंग, शुरू में, द न्यूज़ ऑफ ग्रेसन सीनियर्स डेथ वॉज इन द एयर। शुरू के दिनों में ग्रेसन सीनियर की मौत की खबरें हवा में थीं, बट ही सर्वाइव्ड एंड चिप्स वॉज डिस्टेंट टू कंडोल विद हिम। लेकिन वो बच गया था और चिप्स ने उसके साथ ताजियत की थी। अब इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि ग्रेसन सीनियर का जो बेटा था वो मिस्टर चिप्स के पास था, और मिस्टर चिप्स को पता चला कि वो काफ़ी परेशान है। जब मिस्टर चिप्स ने ग्रेसन से पूछा, ग्रेसन के बेटे से पूछा, जिसे ग्रेसन जूनियर है, तो उसने कहा कि जो टाइटैनिक डूबा है उसमें मेरा जो वालिद है ग्रेसन सीनियर, वो भी उसमें है। तो अभी तक यही खबर थी कि शायद वो भी डूब के मर गया, लेकिन बाद में खबर आई कि वो बच गया था। पहले जहाँ पर ग्रेसन जूनियर के साथ मिस्टर चिप्स ताजियत कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, अचानक से जो जूनियर ग्रेसन था, जो कि पहले मिस्टर चिप्स के पास था, उसकी अचानक मौत वाकई हो गई। और जिसकी खबरें थीं कि शायद वो टाइटैनिक में डूब कर मर गया है, टाइटैनिक के डूबने की वजह से वो बच गया था, दरअसल अब बाप के साथ बेटे की ताज़ियत मिस्टर चिप्स को करना पड़ी। होप कि अब आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास, व्हाट वाज रॉल्सटन्स प्रोग्रेस एज ए हेड? रॉल्सटन बतौर सरबराह स्कूल के, उसकी तरक्की किस तरह की थी, उसका काम किस तरह से था? ड्यूरिंग रॉल्सटन्स पीरियड द स्कूल प्रोग्रेस्ड मच। रॉस्टन के टाइम में स्कूल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। ही वेट द वेल्दी पीपल ही मेट द वेल्दी पीपल ऑफ लंदन फॉर कंट्रीब्यूशन। वो अमीर लोगों के साथ मिला जो कि लंदन के लिए चंदा देते थे, कंट्रीब्यूट करते थे। देयर वर लॉन्ग वेटिंग लिस्ट ऑफ बॉयज़ फॉर एडमिशन टू द स्कूल। और वहाँ पर स्कूल में एक लंबी लिस्ट थी, वेटिंग लिस्ट थी उन लड़कों की जो कि स्कूल में दाखला लेना चाहते थे। दरअसल ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल है ये कोई पब्लिक स्कूल है, लेकिन ये चंदे पर चलता है। मिसाल के तौर पर जैसे अब हमारे पंजाब में दानिश स्कूल सिस्टम है, जहाँ पर जो गरीब तुलबा हैं उनको फ्री तालीम दी जाती है, इसी तरह ब्रुकफील्ड भी जो था स्कूल, उसमें यतीम बच्चों को तालीम दी जाती थी, और सेम दानी स्कूल वाला सिस्टम था कि बच्चे वहीं पर रिहाइश पज़ीर होते थे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारा ये चैप्टर भी एक अपने अख्ताम पर पहुँच चुका है। आप लोगों से एंड पर एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आई, किसी भी वर्ड की समझ नहीं आई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और एंड पर बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।